10। ये डिस्टेंस हम ए ले लेते हैं, ए एंड बी हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए गिवन है 400, पॉइंट बी हमें गिवन है -400। इक्वेशन हमने निकाल ली है, पी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज पी ए बी इज इक्वल टू 10। पी ए एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 वाई हो जाएगा, जेड माइनस 0 अगेन जेड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर सेम वे में, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब एक रूट वाली टर्म आप ऊपर ले जाओगे एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दिस इज एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ नहीं आई। 2 into A into B. हमें गिवन था फाइंड द सेट ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P. पॉइंट P से इक्वेशन ऑफ मतलब हमें निकालनी है इन सभी पॉइंट्स की जो भी x, y, z की वैल्यूज हो सकती हैं, whose distances from A and B, sum of whose distances from A and B, यानी कि डिस्टेंस PA प्लस डिस्टेंस पी बी शुड बी इक्वल टू 10। ठीक है, पी जहां मर्जी हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कंडीशन क्या है कि पी का इन दोनों से डिस्टेंस का सम शुड बी 10। अब हमने ये कंडीशन लगा दी, उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दी डिस्टेंसेस की एंड देन सिंप्लीफाई कर दें। अब यहाँ रूट फॉर्मूला खोल लो, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ अगेन फॉर्मूला खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 रूट एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दो, क्या रह गया हमारे पास 8x इज इक्वल टू, ये दोनों भी हम इधर ले आएंगे, 8x माइनस 100 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 20 रूट एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से 4 अगर आप चाहो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लेके चल सकते हैं। अब ये रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहां पे 4 कॉमन ले लूं, फोर और 20 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बस आपने कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है ताकि कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक आपकी ना हो, ये चीज आ गई। अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, यहाँ आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और इधर
मैम मैम एक्चुअली माइक म्यूट है। इज इट फाइन नाउ? यस मैम। तो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2। अब ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 12.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -3, -5 एंड -1, -4, -6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है 2:3 एक्सटर्नली, तो इंटरनली में आप उसको एज इट इज लेके चलेंगे। रेशियो हमें गिवन है 2:3। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -2, -3, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -4 एंड 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम एक्स वाई जेड हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई जेड। तो एक्स इज इक्वल टू x is equal to 2 × 1, 3 × -2 upon में sum of ratio, y के coordinates 2 × -4, +3 × 3 upon में again 2 + 3 and z के coordinates 2 × 6 + 3 × 5
डन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -4/5, 1/5 and 27/5. अब सेकेंड पार्ट में एक्सटर्नली है तो 2:-3 से आप उसको कैलकुलेट करो. आंसर सेकेंड पार्ट के लिए 2:3 एक्सटर्नली है तो सेम पॉइंट्स रहेंगे. रेशियो आप 2:-3 ले लेंगे. 2:-3 लेके वो इंटरनली बन जाएगा. फिर सेम वे में आप उसको कर लो. ठीक है. नहीं होमवर्क पार्ट कर लोगे. सेकेंड समझ आ गया कैसे करने. ओके नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. गिवन दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर. आपको गिवन है पी क्यू आर को लीनियर है. आपको रेशियो निकालनी है जिसमें क्यू जो है वो पी आर को डिवाइड करेगा. जहां पे भी रेशियो निकालनी है तो हम क्या एज्यूम करके चलते थे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के रेशियो 1. तो अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. So let Q divides P R in the ratio K ratio 1. P के coordinates है 3, 2, -4. Q के coordinates 5, 4, -6. And the coordinates of R 9, 8, -10. So coordinates of Q are, K के according हम लेके चलेंगे पहले, फिर K की value find out करके check करेंगे कि बाकी दो values ये आ रही हैं या नहीं आ रही. तो K के accordingly जो आपका यहाँ हम इनको अगर x y z मान लेते हैं तो x coordinate आ गया हमारा 9k + 3/k + 1. y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 8k + 2/k + 1 एंड द z कोऑर्डिनेट इज -10k - 4/k + 1. अब हमने क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को लेके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बाकी दो में उसको पुट करो, वो सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है. जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी मींस आपकी वो k की वैल्यू आ रही है तो इट मींस q इज डिवाइडिंग दिस pq इन दैट रेशियो, pr इन दैट रेशियो. हां जी 1/, ठीक है. इसमें पुट किए 9k + 3/k + 1. q का कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हमें 5 गिवन है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हमने 5 के इक्वेट कर दिया. यहां से के की वैल्यू निकाल ली. के आ गया 2/4 यानी कि 1/2. इट मींस के डिवाइड्स पी आर इन रेशियो 1:2. अब हमने इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स में आप के की वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. ये वाले दोनों पॉइंट्स सेम आए आ गया. उसको वेरीफाई तो करना है ना, वेरीफाई तो करोगे उसको. चेक करोगे कि बाकी ये दो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं. तीनों से निकाल लो, वैसे कर लो, एक ही बात है. तीनों से वो 1/2 आ जाएगी. या तो तीनों को आप इनके ऐसे इक्वेट कर लो या एक से इक्वेट करके एक ही वैल्यू निकाल ली. वो
इसी में पुट कर लो और इसको चेक कर, जैसे मर्जी कर लोगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थ्री, गिवन दैट फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द पॉइंट्स। वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? अब प्लेन वाई जेड है, रेशियो निकालनी है, के रेशियो वन मान लोगे, लेकिन उसके बाद के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? वाई जेड प्लेन है मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा होगा उसको जीरो के इक्वेट करके आप के की वैल्यू निकाल, ठीक है? हाँ जी, हमें गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स गिवन है, प्लेन गिवन है वाई जेड। अब जब प्लेन हम वाई जेड की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स उस प्लेन में आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, उसमें जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको इक्वल टू जीरो पुट करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -247 एंड 3 -5 एंड 8। लेट दिस बी डिवाइडेड बाय द प्लेन वाई जेड इन द रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, क्या कर लोगे बताओ जल्दी? फिर ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, y और z निकाल लोगे, इसको इक्वल टू जीरो। हां जी, क्या कह रहे हो मधु? तो रेशियो आ जाएगी 2:3। हां जी, चलो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन यू विल ट्राई, ठीक है? Then Monday we will do the rest of the questions of the miscellaneous exercise. If any doubt is there, Amish and Purav, you can ask. Otherwise, I am ending the meeting.